नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 मई। चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में हो रहा है इजाफा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बीते दिन अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में विभिन्न राज्यों में 112 मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही बिहार में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 1600 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कुल 37 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोविड 19 से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 571 हो गई है। बता दें कि अभी भी राज्य में फिलहाल 1027 केस एक्टिव हैं। दुकान खुलने से पटना हुई गुलजार। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद बीते दिन से राजधानी पटना में बाजार एक बार फिर से गुलजार नजर आए। कपड़े से लेकर बर्तन और जूते चप्पलों तक की दुकान खोल दी गई। हालांकि डीएम ने सख्त आदेश देते हुए दुकान में खांसने छींकने वालों को घुसने नहीं देने का आदेश जारी किया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का भी निर्देश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट और रेड जोन से बाहर मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकान को खोलने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिन में 11 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। उदय सिंह कुमावत को बनाया गया स्वास्थ्य विभाग का नया प्रधान सचिव। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को हटा करके उदय सिंह कुमावत को उनकी जगह पर पोस्टिंग दे दी गई है। संजय कुमार को पर्यटन विभाग में डाला गया है। खबरों की माने तो उदय सिंह कुमावत पहले पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। हालांकि कोविड 19 के इस माहौल में संजय कुमार का इस तरीके से तबादला करने के पीछे के कारण को अभी तक नहीं बताया गया है। मधेपुरा में तैयार किए गए इलेक्ट्रिक इंजन को मालगाड़ी में लगाकर चलाया गया। मधेपुरा रेल कारखाना में तैयार देश का सबसे शक्तिशाली एसी इलेक्ट्रिक इंजन पहली बार मालगाड़ी में लगाकर चलाया गया है। बीते दिन पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झारखंड के एक स्टेशन तक 276 किलोमीटर की दूरी को एसी इंजन ने मालगाड़ी से लगाकर तय किया है। वहीं 100 किलोमीटर की रफ्तार से मालगाड़ी को लेकर पहली बार पटरी पर दौड़ने से नए लुक वाले इंजन को देखकर लोगों ने काफी ज्यादा इसकी तारीफ भी की है, जिसकी जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिन ट्वीट करके दी है। किशनगंज के 4 कोविड 19 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। बिहार में कोविड 19 का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इसी बीच बीते दिन राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत किशनगंज जिले में 4 कोविड 19 पॉजिटिव मरीज के ठीक होने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो यह चारों मरीज MGM मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वहीं इनके ठीक होने की खबर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, जिसके बाद अब कुल मिलाकर किशनगंज में 7 कोविड 19 पॉजिटिव मरीज ठीक होने की खबर सामने आई है। सोनिया गांधी द्वारा बुलाए गए विपक्ष की बैठक में जुड़ेंगे महागठबंधन दल के नेता भी। कोविड 19 के इस माहौल में पहली बार विपक्ष के सारे नेता एक साथ जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसके तहत 22 मई को सोनिया गांधी विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाली है और देश के हालात पर बातचीत करने वाली है। सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में बिहार के तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं में शामिल होने की सहमति दे दी है। राज्य की तरफ से तेजस्वी यादव, पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी और फिर उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शामिल होंगे। बालूघाटों की नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य में 50 नए बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि अगले महीने जून में पूरे होने की संभावना है। इसमें पटना जिले के 2 घाट शामिल हैं, जिसकी नीलामी की प्रक्रिया 22 मई यानी कि कल से की जाएगी। इससे पहले 25 जिलों में 350 नए बालूघाटों की बंदोबस्ती फरवरी तक हो चुकी है। बालूघाटों के माइनिंग प्लान पर स्वीकृति मिलने के बाद खनन शुरू हो सकेगा। सभी बालूघाटों की बंदोबस्ती 5 साल के लिए बेहतर रहेगी। बिहार में अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्र भी दूरदर्शन से करेंगे पढ़ाई। बिहार में अब पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्र भी दूरदर्शन से पढ़ाई करेंगे, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग ने जारी की है। शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कक्षा 12वीं तक की तरह ही पहली से 5वीं कक्षा के लिए भी ई कंटेंट विकसित कराया जाने का आदेश जारी किया गया है, जो कि अब दूरदर्शन पर प्रसारित होगा और वहीं पर एलिवेशन के माध्यम से छात्रों को दिखाया जाएगा। खबरों की माने तो शिक्षा विभाग का यह फैसला बिहार में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को विस्तार करने के विचार से किया गया है। वहीं बीते दिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर बिहार के संदर्भ में समीक्षा की गई है। 1 जून से प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनों का होगा परिचालन, जिसका ऐलान केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 1 जून से 200 नॉन एसी यात्री ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि इसकी ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत जल्दी हो जाएगी। वहीं प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह कर दिया है कि श्रमिक की सहायता करे तथा उन्हें नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर लिस्ट रेलवे को दे, जिसे रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। श्रमिकों से आग्रह है कि वह अपने स्थान पर रहे, बहुत जल्द भारतीय रेल उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। बिहार के एक एटीएम से निकलने लगा दोगुना पैसा। बंद के बीच लोग आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर के एक एटीएम ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। एटीएम में से कोई अगर 1000 निकाल रहा था तो उसमें से 2000 मिलने लगे थे, जिसके बाद एटीएम के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला, लोग सैकड़ों की संख्या में पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर जुट गए। लोगों में पैसा निकालने की अलग होड़ मच गई। वहीं जैसे ही प्रशासन को इस बात की खबर लगी, पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने तुरंत उस एटीएम को बंद करवाया और साथ ही बैंक को जानकारी भी दी। स्थानीय लोगों की माने तो यह एटीएम इंडिया 1 का एटीएम है।
बिहार में पंचायती राज विभाग में 1250 पदों पर होगी बहाली। बिहार में नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम सूचना। पंचायती राज विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री गली नली अकीकरण योजना के तहत बहाली करवाई जाएगी। 721 पदों पर तकनीकी सहायक और 529 पदों पर लेखापाल सहायक से 80 सहायक के पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीना ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में रहने की दी नसीहत। मुंगेर के डीएम राजेश मीना और एसपी लीपी सिंह ने बुधवार को सभागार में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड 19 से निपटने के लिए जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिला में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। प्रवासियों के लिए जिला में 93 क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं, जहाँ पर 7117 प्रवासी रह रहे हैं। 14 दिन के क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद ही प्रवासी के स्वस्थ होने की जाँच करवाई जाती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर जिले के वापस आ रहे हैं, वह सामने आकर खुद अपना जांच करवाएं। पिता को साइकिल पर बैठा गुरुग्राम से दरभंगा लेकर आई बिहार की बेटी को किया जाएगा सम्मानित। एक तरफ जहां पूरे बिहार में कोविड 19 का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ बंद के कारण आम नागरिकों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही भी जारी है। इसी क्रम में दरभंगा की एक 15 साल की बेटी की हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि मिथिलांचल की इस बेटी ज्योति ने अपने साइकिल पर पिता को बिठाकर हरियाणा से गुरुग्राम से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 7 दिन में तय की है। एक दिन में 150 किलोमीटर अपने पिता को ही पीछे बिठाकर साइकिल चलाती रही और ज्यादा थकती थी तो सड़क के किनारे बैठकर थोड़ा आराम कर लेती थी, जिसके बाद अब इस बेटी को सम्मान करने के लिए जिला प्रशासन सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कोविड 19 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे सवाल। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में जारी कोविड 19 के माहौल में बिहार में सबसे कम जांच के पीछे का कारण पूछा है। इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तमाम दावों के बावजूद बिहार में कोरोना की जांच पूरे देश में सबसे कम क्यों है। 15 वर्षीय सरकार बताए कि आखिर विफलता का क्या कारण है। अगर जांच किट नहीं है तो सरकारी विफलता, और अगर उपलब्धता के बावजूद जांच नहीं हो रही है तो सबसे बड़ी विफलता है। और स्वास्थ्य मंत्री जी इन सब के बीच कहां गायब है। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की अब होगी कैमरे से स्क्रीनिंग। पटना जंक्शन पर यात्री स्पेशल ट्रेनों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की अब स्क्रीनिंग प्रशासन कैमरे के माध्यम से करवाएगा। दानापुर रेल मंडल के एक वरीय अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि पटना जंक्शन पर कैमरे से यात्रियों की स्क्रीनिंग का ट्रायल हो चुका है। अभी राजेंद्र नगर से केवल प्रतिदिन यात्रियों की स्क्रीनिंग करने में 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। इससे बचने के लिए और यात्रियों की स्क्रीनिंग आसानी से करवाने के लिए कैमरे से स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई है, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाई जा सके। अब तक बिहार में आए प्रवासी व्यक्तियों में 788 पाए गए कोविड 19 पॉजिटिव। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद अब तक लाखों प्रवासी बिहार आ चुके हैं। वहीं प्रवासी व्यक्तियों के साथ साथ कोविड 19 के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत 3 मई के बाद बीते दिन तक किए गए जांच के अनुसार 788 व्यक्ति कोविड 19 से प्रभावित पाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा दिल्ली से आने वाले व्यक्तियों में कोविड 19 पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 249 लोगों में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 187 मामले मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर गुजरात में 158 व्यक्तियों में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है। बिहार के जाने माने पत्रकार एएस शाद ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के जाने माने पत्रकार एएस शाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों के माने तो शाद की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, जिसके बाद उनका इलाज काफी लंबे समय से किया जा रहा था। हालांकि उनके इलाज के दौरान ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद बिहार के मीडिया जगत में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके लिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जहां उन्होंने कहा है कि शाद ने अपने लेखन के बदौलत पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनका इस तरीके से जाना बिहार की मीडिया के लिए अपूर्णीय क्षति है। अम्फान का बिहार में कुछ खास असर नहीं देखने की जताई गई संभावना। बीते कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान अम्फान को लेकर कई सारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। हालांकि अंदाजा यह भी लगाया जा रहा था कि शायद इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बीते दिन मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइक्लोन का सीधा असर कभी भी बिहार पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह तूफान बिहार से बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए बिहार में आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं पर बादल छाने के आसार है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार का मौसम बे ऑफ बंगाल में हो रहे हलचल पर निर्भर करेगा। बिहार वापस लौटने वाले प्रवासियों की लंबी होती जा रही है सूची। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच प्रवासी व्यक्तियों की आवाजाही बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक लाखों
मजदूर और प्रवासी फिलहाल वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई राज्यों में कई लाख व्यक्तियों के फंसे होने की खबर सामने आई है। पंचायतों से मांगी गई सूची के मुताबिक लौटने के इच्छुक प्रवासियों की संख्या 11,33,000 से अधिक है। ऐसे में सरकार ने नए सिरे से इंतजाम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच बीते दिन 1,12,000 से अधिक कामगारों की वापसी हुई है, जिसके तहत बिहार में अलग अलग जिलों में 60 से ऊपर ट्रेनें पहुंची थी, जिसमें प्रत्येक ट्रेन में लगभग 1,600 से ज्यादा यात्री सवार थे। 25 मई से देश में घरेलू विमान सेवा की होगी शुरुआत। लॉकडाउन के चौथे फेज में घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसका फैसला केंद्र सरकार ने सुनाया है, जिसके बाद अब भारत में 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू होगी। डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ानों को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आदेश जारी किया है, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से साझा की है और बताया है कि 25 मई से घरेलू नागरिक उड्डयन परिचालन की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए देश के सभी हवाई अड्डों और हवाई जहाजों को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार होने की सूचना जारी कर दी गई है। भाजपा अब सोशल मीडिया से शुरू करेगी प्रचार। कोविड-19 के इस माहौल में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में बिहार भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत भाजपा ने हमेशा की तरह इस बार भी व्हाट्सएप समूह, FB लाइव और डोर टू डोर प्रचार के जरिए लोगों को वोट करने के लिए इकट्ठा करने का ऐलान जारी किया है। बिहार के एक भाजपा सांसद ने पहले ही पार्टी की इस मुहिम की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि बिहार चुनाव का आधा हिस्सा अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों के भी काफी समय तक बने रहने की संभावना के बीच पार्टी ने हाई वोल्टेज मेगा मुहिम को फेसबुक और यूट्यूब लाइव के निर्णय लिया है। जदयू नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मांगा भारत रत्न। कोविड-19 के इस माहौल में प्रवासी कामगारों का पलायन का मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। इस मुद्दे पर खासतौर पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और बिहार के नीतीश सरकार आमने सामने हैं। कभी श्रमिकों की रेल किराए को लेकर तो कभी मजदूरों को जबरन दिल्ली से भगाए जाने के मुद्दे पर दोनों आमने सामने होते हैं। इसी क्रम में जदयू ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जदयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि 2 महीने की सफलता की कहानी दिल्ली का बढ़ता संक्रमण, भूखे मजदूर, भागते मजदूर, रोजाना प्रेस वार्ता, हवा में 1,00,000 लोगों को खाना खिलाना और कंटेनमेंट में भी संक्रमण फैलाने की छूट देना, इतना काम करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न तो दिया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के डिजिटल चुनाव के बयान पर कांग्रेस, राजद और रालोसपा ने उठाए सवाल। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन चुनाव को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करवाने की बात कही थी, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल तो उप मुख्यमंत्री के विचार पर सवाल उठा रहे हैं। डिजिटल चुनाव को लेकर रालोसपा के प्रधान महासचिव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री जी के बयान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा पिछले दरवाजे से उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए हैं। वही इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जो फैसला चुनाव आयोग को करना है वह सुशील मोदी जी कैसे कर सकते हैं। आयुष्मान भारत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को अजय देवगन ने किया रीट्वीट। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना से लगभग 1 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई है। 2 साल से भी कम समय में यह योजना ने कई जिंदगियों पर सकारात्मक असर बनाया है। वहीं लाभ हासिल करने वाले लोगों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर अजय देवगन ने रिप्लाई किया है और लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत 1 करोड़ लाभार्थियों का लैंडमार्क क्रॉस कर गई है। एक सेहतमंद राष्ट्र ही मजबूत राष्ट्र होता है। राहुल द्रविड़ ने क्रिकेटरों को लेकर की भविष्यवाणी। पूर्व भारतीय कप्तान और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने क्रिकेटर्स के करियर को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसके तहत उन्होंने दावा किया है कि अगर खिलाड़ियों ने कोविड-19 की वजह से मिले खाली समय का सदुपयोग किया तो उनका करियर 2-3 साल लंबा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनका फोकस क्रिकेटर के फिटनेस पर है, क्योंकि उनके अनुसार जो क्रिकेटर घर पर बंद होने के बावजूद अपने फिटनेस पर काम करता रहेगा, घर पर अभ्यास करता रहेगा, वही जल्द से जल्द लय प्राप्त कर सकता है। हालांकि राहुल ने खिलाड़ियों को आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मैं ब्रेक को बहुत से क्रिकेटरों को शरीर को आराम देने और दिमाग को आराम देने का अवसर के रूप में देखने के लिए कहूंगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामगोपाल राय, कृष्णा सिंह, ललन सिंह, शिवम कुमार, रवि कुमार, आलोक कुमार, धनंजय कुमार, सरिता देवी, सुष्मिता कुमारी, शोभा रानी, प्रज्वल कुमार, उदित आनंद, धर्मेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, गौतम कुमार, शिवजीत सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। राहुल द्रविड़ द्वारा सभी क्रिकेटर्स को घर पर रहकर फिटनेस का ध्यान रखने की सलाह आपके अनुसार क्रिकेटर्स के लिए कितनी मददगार साबित होगी, कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।